गुजर गए हैं 4 दिन सुशांत सिंह राजपूत को गए। 34 साल के सुशांत सिंह राजपूत के गुजरने के बाद अब खबर आ रही है कि बिहार के पटना के गंगा में विसर्जित किया गया है उनकी अस्थियों को। पटना से श्राद्ध कर्म होने की खबर आई है और इसलिए फैंस रो रहे हैं क्योंकि अब वो चेहरा नदी में जा चुका है, वो चेहरा पानी में मिल चुका है, गंगा घाट में मिल चुका है वो चेहरा। पुलिस ने जहां उन्हें रोक दिया था गंगा घाट की ओर जब वो आने लगे, उनके फैंस उन्हें विदाई देने के लिए, उनकी आत्मा को शांति मिले इसके लिए सब ने उन्हें रोक दिया। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की अस्थियों के विसर्जन के दौरान चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ आंसू था, पिता के चेहरे पर आंसू, परिवार की आंखों में आंसू, परिवार वालों के चेहरे में सिर्फ और सिर्फ मायूसी, गंगा घाट में मायूसी। सुशांत सिंह राजपूत की गुजर जाने की छाई हुई थी, अस्थियां लेकर उनके परिवार वालों को देखा गया। पंडित भी वहां पहुंचे, परिवार एक नाव पर जाकर गंगा में अस्थियों को प्रभावित करता नजर आया। अस्थियां दीघा गंगा घाट में बहाई गई। सुशांत की माँ की अस्थियों को भी वही विसर्जित किया गया था। विदा समेत परिवार के सभी लोग वहां काफी रोते नजर आए थे। बहन प्रियंका सिंह, रानी सिंह नाव में पिता केके को संभालती नजर आ रही थी और इस जगह पर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था भी दिखाई दी, लेकिन राजीव नगर स्थित घर पहुंचने के बाद पिता और बहन सुशांत को सबसे ज़्यादा रोते हुए मिस कर रहे थे, जो अब घर के इस चिराग को नहीं देख सकते जो आसमां में तारा बन चुका है। गौर हो कि 14 जून की तारीख को दोपहर के वक्त सुशांत के निधन की खबर मुंबई से पटना उनके परिवार के पास पहुँची, जिसके बाद दूसरे दिन वो फौरन अंतिम विदाई देने के लिए अपने परिवार के सुशांत को पहुंच गए थे। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।